जय श्री राम जैन दोस्तों, मैं ओलिडिया साइकिल राइडर नरेंद्र सिंह यादव और राजस्थान से मैं कर रहा हूँ साइकिल से भारत यात्रा। फिलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश में और आज हम निकलेंगे ग्वालियर की तरफ। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, हमारा नाइट स्टे था रात को इस आश्रम में जो कि जोधा बाबा का आश्रम है। बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत बड़ा आश्रम है और इसमें गौशाला भी है और हमें बढ़िया है ना खाने को खाना मिला और रहने के लिए आराम से गंदा वंदा लगा के है ना पंखे के सामने बहुत ही अच्छी नींद आई भगवान के चरणों में। और अब हम चलेंगे ग्वालियर की तरफ, हमारी साइकिल खड़ी है और अब हम ग्वालियर की तरफ चलेंगे है ना। और ग्वालियर यहाँ से है शायद 50 या 55 किलोमीटर के आसपास। तो भाई बाइक को प्यार करें, सपोर्ट करें और सेव ट्री सेवर पेड़ बचाएं पृथ्वी बचाएं का मोटो लेके फिर रहा हूँ पूरे देश में। तो गाइस जितना हो सके पूरा सपोर्ट करें और विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बगैर पैसे की लोगों की हेल्प से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मेरी हेल्प करें और मुझे अपनी यात्रा में सपोर्ट मिले। जय हिंद जय भारत, चलते हैं ग्वालियर की तरफ। फाइनली गाइस हमारी एंट्री ग्वालियर सिटी में हो चुकी है और अब ग्वालियर सिटी 4 या 5 किलोमीटर की होगी और आज हमारा रुकने का प्लान भी ग्वालियर में एक भाई है, उसके 2-3 दिन से मैसेज आए हुए थे कि भाई मेरे पास रुकना है तो उन्हीं के पास रुकेंगे। 2 बज चुके हैं, अब देखते हैं उसके पास कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में। ग्वालियर में हमारी एंट्री तो हो चुकी है, देखते हैं। ब्लॉक्स में जुड़े रहे और ग्वालियर शहर देख रहे ना बोले, बहुत ही अच्छा शहर बताते हैं। और जैसे हमारी ग्वालियर शहर में एंट्री होते ही एक बहुत ही अच्छा स्टैचू आया है। अभी तो पास चल के पता लगेगा किस चीज़ का है। देख रहे हो ये हमारी ग्वालियर शहर की एंट्री है। मूर्तिकार प्रभात राय ग्वालियर। अपने को चलना है सीधा। फाइनली गाइज हम ग्वालियर में बैठे हैं, एक भाई था उनका वेट कर रहे हैं, वो अब किधर से आएंगे ये तो नहीं पता। उन्होंने जो लोकेशन बताई थी हम उसी लोकेशन पे खड़े हैं, हमारी साइकिल भी उसी लोकेशन पे खड़ी है। अब बस उनके आने का इंतज़ार है कि वो कब आएंगे, हम उन्हीं की लोकेशन पे खड़े हैं, देखते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2 मिनट में आ रहा हूँ तो इंतज़ार तो बनता है भाई। शायद कहाँ से रूम ले रखा है या फिर उनके घर हैं ये तो नहीं पता। वो आएंगे अभी और फिर हमें लेके चलेंगे अपने पास, उनका वेट कर रहे हैं अभी। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं ग्वालियर के फोर्ट में और पूरी डिटेल्स वगैरह भी मेरे को नहीं पता, आगे चल के आपको बताएंगे। अभी तो हमारी मेन गेट में एंट्री हुई है और ये 3 दोस्त मिले हैं जो आप सामने देख रहे हो है ना। ये ग्वालियर से ये हमारे न्यू दोस्त बने हैं और अब हम चल रहे हैं फोर्ट के अंदर। आपको दिखाते हैं, देखो तोते बैठे हैं भाई, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। आपको दिख रहा है पैरट बैठा है बिल्कुल कॉर्नर पे, एकदम मस्त लग रहा है भाई है ना। अब आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई और सांस हमारी है ना उखड़ने लग गई है। अरे वैसे मजाक कर रहा हूँ भाई, उखड़ नहीं रही है, मैं तो बता रहा हूँ। हल्की हल्की घास है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कितने साल पुराना होगा ये, तो अंदाजा हिस्ट्री पढ़ेंगे जब ही बताएंगे आपको, अभी नहीं बता सकते। तो फाइनल गाइज हमारे यहाँ पे मेन एंट्री हो चुकी है और दिखा रहे हैं अब ऊपर को, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इस मेन गेट की। और इधर तो आपको दिख रहा है पूरा ग्वालियर शहर, अभी ऊपर चल के और प्रॉपरली पूरा दिखाएंगे। चलते हैं ऊपर की तरफ, देख रहे हो। और ये बनवाया था किसने, बनवाया था ये मानसिंह तोमर ने बनवाया था ये। अब बनवाया कब था ये मत पूछना भाई, पर बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सब लोगों ने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं और भाई ये बस बालू रेत और इन पत्थरों से बनाए हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मैटर लगा हुआ इनमें। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत है यार ना, अभी और भी कुछ दिखाने वाले हैं जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो देख रहे हो कैसे शाइनिंग, धूप जैसे आ रही है तो पत्थर शाइनिंग कर रहे हैं। और ये छतरियाँ भी बनी हुई है।
तो रखी है तोप पहले की, बहुत पुरानी दो विशाल तोपे रखी हुई है यार, पता नहीं किस मटेरियल की है, लोहे की है किसकी है, लोहे की लग रही है शायद, और इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे लोहे की है भाई ये ना। अभी गुरुद्वारा साहिब चलेंगे, गुरुद्वारा साहिब भी है फोर्ट में, चलते हैं। तो गाइस ये है ना आपको ऑलमोस्ट आधा हिस्सा ग्वालियर का दिख रहा है, देखो देख रहे हो कहाँ, जहाँ तक आपको मकान दिख रहे हैं सारे ग्वालियर के ही सीन है, और ये फोर्ट है, और फोर्ट के उस साइड भी इतना ही है, और सनसेट भी होने वाला है देख रहे हो। और अब हम भी बस चलने वाले हैं, यहाँ पे टिक बंद हो गया वैसे, 5 बजे ऑफ हो जाता है किला, वैसे अंदर नहीं जा पा रहे, आपको बाहर से दिखा पा रहे हैं कुछ। और कल हमें चलना है इस साइड, इस दिशा में झांसी, तो अभी फिलहाल तो किला ऑफ हो चुका है, 5 बज चुके हैं, हम थोड़ा लेट आए यहाँ पे है ना, और इन भाइयों को भी नहीं पता था किला 5 बजे, ये सोचे 6 बजे ऑफ होगा, तो जल्दी ऑफ हो गया। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे ग्वालियर तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फाइनली फोर्ट में गुरुद्वारा साहिब भी हैं, अभी अंदर चलेंगे देखेंगे किधर से एंट्री होती है गुरुद्वारा साहिब में, और वैसे भी अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल बिल्कुल, मतलब कि देख रहे हो बिल्कुल तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे अच्छे से। अभी गुरुद्वारा साहिब चलेंगे, मत्था टेकेंगे, फिर थोड़ा सा बच्चा खुचा आपको फोर्ट में और कुछ दिखाएंगे, क्योंकि फोर्ट तो बंद हो चुका था, वैसे फोर्ट परिसर में ही ये गुरुद्वारा साहिब है। तो गाइस ये है ग्वालियर के मार्केट की रौनक है, नवरात्रों में थोड़ी अच्छी रौनक रहती है ग्वालियर में, और फोर्ट तो हम देख के आ चुके हैं, बस हम सोचे थोड़ा आपको ग्वालियर की भी रौनक दिखा देते हैं, चमक दिखा देते हैं। और ये हमारा दोस्त है युवराज, जिसने हमें ग्वालियर घुमा दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यही खाना बनाएगा और इसके हाथ का खाना खाएंगे अभी, और भाई देखते हैं क्या बनाता है वो, तो भाई चल के पता लगेगा, अभी तो कुछ मेरी शायद नहीं है हमारा।